नाजरीन, ये सच है कि तरक्की की दौड़ हमसे बहुत आगे है। सीमा है दर्द, सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकराइन भी कह सकते हो, जो कि पबजी खेलते खेलते नोएडा के सचिन की मोहब्बत में भारत जा पहुंची है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। इंतहाई बाहयात 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 बाहयात। तुझ में रब दिखता है, उसको कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन सारी कहते कि हदें पार कर दी, हवस की आग जलाई। अब क्या ये गलती थी? नहीं। या ये जान बूझ कर किया गया, और वजह क्या थी? पता नहीं। और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के सोच और बहस की गुंजाइश है? पबजी बन गई लवजी। मगर इस वाकये का जवाब नहीं होता इनके पास। जरा सोचिए, अगर ये वायरल ना होता और इस किस्म का मवाद जहनों में आइंदा भी डाला जाता रहता, तो इसका नतीजा क्या निकलता? क्या हमारे माशरती जो इकदार हैं, इसकी इजाजत देते हैं? क्या ऐसा कोई निजाम नहीं बनाया जा सकता साहब है, उस पर कड़ी नजर भी रख सके? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सीमा हैदर ने पाकिस्तानियों को बिलबिला के रख दिया है, और फिजा खान तो इतना बौखला गई है कि चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ लिया, और धुआं उठ रहा है, क्योंकि धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी हो। तो चलिए आनंद लेते हैं फिजा के, मजा आएगा। पाकिस्तानियों का कहना है कि सीमा इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी साजिश की गई है। इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए सारा प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। अरे सना, गांजा वांजा फूंक के आई है क्या? डिफेम डिफेम किया जाता है जिसकी कोई फेम हो। अरे पासपोर्ट की कितनी इज्जत होती है सबको पता है। कोई ठूकता नहीं है, कोई ठूकता नहीं है, कोई ठूकता नहीं है, कोई ठूकता नहीं है, कोई ठूक कोई ठूक कोई ठूक कोई ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की? वो सिर्फ एक बेवकूफ खातून है। इंडियन मीडिया है, वो 24/7 इसी खबर के ऊपर काम कर रहे हैं। नो डाउट हम भी कर रहे हैं। इंडियन एंकर जो हैं वो पाकिस्तान पर बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल रहे हैं और पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को गंदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अरे यार, पाकिस्तान खुद बिचके हुए जिन्ना की सूखी लिंडी है, उससे गंदा और क्या गंदा कर सकता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान में वो गैर महफूज थी, इसलिए उसने लड़के को यहाँ बुलाने की बजाय वो खुद इंडिया चली गई, क्योंकि उसे इंडिया में अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा था। सवाल तो उठता है ना, सवाल लात उठते हैं, सिर्फ सवाल। तो दुनिया की सबसे जहरीली नागिन बताएगी कि 40% चांस। फिजा जरा सुनिए, अपनी नाक खुजा और शुरू हो जा। कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? बकार आजम से कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माँच है, आपको महंगाई के हाथों इतना चो गया है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं। मुल्क में मौशी बहरान है जिससे अवाम बराहे रास्त मुतासिर हो रही है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज। कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और अवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे मांगते रहे? वाह वाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह, यो यो किट्टू भाई। सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लगकर लेना पड़े। माएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर बकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आजाद होकर दुनिया से कूच कर गए। मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। फिजा तुम भी भारत आ जाओ, तुम्हारा भी घर वर डूब गया है, तुम तो बहुत लाचार हो। भारत आने की मुझे दावत दे रहे? आप लोगों ने तो टैलेंट की बसरत कायम कर दी। आप लोग तो फनकारों को आर्टिस्टों का जीना दुबर कर देते हैं। वहाँ पे जो चंद महीनों के लिए वहाँ काम करने जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाते हैं, आप किस तरह दावत दे सकते हैं किसी सहाफी को आए और भारत में जाके भारत को विजिट करें? अब देखते हैं 50% चांस जो कि ये ISI की एजेंट हो सकती है, और वो बताएंगे हमारे मेजर सर। दो चार चीजें आपको बताना चाहता हूँ इसके मामले में जो आप समझ लीजिए, और ये चीज बड़ी खतरनाक है। सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहाँ पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं साहब, वीर ज़ारा की फिल्म आ गई। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात। वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहाँ पे रह जाए, देश ऐसे नहीं चलता।
पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है ये हमें पूरा करना पड़ेगा कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में है, आज 2023 है, ये एक साल में हवलदार बन गया। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? आप बात करेंगे, हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है। वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी अभी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है। ये वो कहती है, ये कौन सी नौकरी है यार, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है? वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, राइट, अगर पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। ऐसे ये आप, मैंने तो, आप जरा छोटा सा देखिए जरा, उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानती थी? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, सात फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी, मतलब धर्म में। मैं वहां रह के भी यहां की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ, जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्यौहार मनाए वहां रह के भी, मैं वर्ती भी रही हूँ। लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। ये सचिन मीणा चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है, वरना वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही और नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है। ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिगियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो। शी इज पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गारंटी है, मेरे पास कोई प्रूफ है, लेकिन शी इज वेरी पॉसिबली एन आईएसआई प्लांट। गलती से एक्सपोज हो गई है और अब ये कवर अप ऑपरेशन अपना कर रही है। और स्लीपर सेल होता क्या? घुलमिल के रह जाए। स्लीपर सेल में कौन होता है? कोई पान वाला हो गया स्लीपर सेल में। उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं वेजिटेरियन बन गई। ठीक है, इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं और ये औरत कितनी खतरनाक है। जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान। इंडियन गवर्नमेंट का हाथ इसमें अब कम है। अगर वो पहले ही पकड़ ली जाती, वो सचिन के साथ नहीं रह रही होती, सचिन शादी का क्लेम नहीं करता, तो वो बड़े आराम से उसको रिपेट्रिएट कर देते, हम जिसे कहते हैं डिपोर्ट करना। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि उसने सचिन से शादी कर, मैटर अब एग्जीक्यूटिव के हाथ में न जा करके, ये पुलिस के हाथ में न जा करके, ये चला गया है जुडिशरी के हाथ में। हमारे सब जुडिस यानी कोर्ट में होता है, तो फिर एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं होती है जब तक कोर्ट का ऑर्डर हो। मेरा ही मानना है कि उसको इतना तो हक मिलना चाहिए कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो शादी कर ले, क्या दिक्कत है इसमें? इतना हो हल्ला क्या मचाना है इसके लिए? अगर वो होगी आईएसआई की एजेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जांच पड़ताल करके भेज देगी, और अगर वो मान लीजिए नहीं होगी तो अपनी जिंदगी खुला बसर कर लेगी। हाँ, तो वीडियो देख ही लिया? मुझे पता है पक्का आनंद तो आया ही होगा। अब चुपचाप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वरना कुटोगे। मेरे चैनल के लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट में पिन मिल जाएगी, और नहीं मिले तो सर्च कर लो यार, यो यो किट्टू भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।